नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। एक नजर डालते हैं आज के खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट जलयुक्त शिविर योजना की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने का फैसला किया। राज्य सरकार द्वारा गठित विजय कुमार कमेटी ने इस मामले में खुली जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले सीएजी ने भी जलयुक्त शिविर योजना के तहत 1128 कार्यों पर आपत्ति जताई। इसके अलावा राज्य सरकार को योजना में 671 अन्य कार्यों में शिकायतें मिली थी। इसी के आधार पर सरकार ने विजय कुमार कमेटी की सिफारिश को मान लिया और 1799 केसों में से 931 केसों में जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 396 में विभागीय जांच की जाएगी। इस मामले में राज्य सरकार ने विजय कुमार कमेटी की खुली जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। एसीबी द्वारा खुली जांच का मतलब है कि एजेंसी किसी से भी पूछताछ कर सकती है। अपने कार्यकाल में फडणवीस ने जलयुक्त शिविर योजना को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था। फडणवीस ने इस योजना की शुरुआत 2019 में की। उनका उद्देश्य इस योजना से 2019 तक महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का था। इस परियोजना का भाजपा और फडणवीस ने जमकर प्रचार भी किया। इस योजना का उद्देश्य 5000 गांवों में पानी की कमी को दूर करना था। इस योजना के तहत जल संरक्षण उपायों में सुधार कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लक्षित किया गया था ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिविर योजना लागू करने से पहले राज्य के उन क्षेत्रों का चयन किया जहां पानी की भारी समस्या थी और जहां किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।